हम हैं इमी तानी और इन्नू, एक फुल टाइम ट्रैवल फैमिली, और अपने पिछले व्लॉग में हमने इंडोनेशिया में अपना पहला दिन स्पेंड किया और वो भी इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में। तो हम लोग इस वक्त जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ पे हम लोग अपना ये सूटकेस जो है, जो कि अब बिल्कुल ही खस्ता हालत में है, उसको रैप करवा रहे हैं। जाहिर है 6 महीने से हम लोग मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं, फेरीज हों, ट्रेन हों, जहाज हों, टुक टुक रिक्शे, कोई सवारी मेरे ख्याल से हमने छोड़ी नहीं है। थैंक यू। इसकी जिप जो है वो बिल्कुल हर जगह से टूट गई है, यहाँ से भी सिलाई जो है उसकी वो उधड़ गई है, नीचे से भी उधड़ी हुई है और ऊपर से जिप जो है वो भी टूटना शुरू हो गई है। तो बस अब जैसे तैसे होता है वैसे करके इसको ऑस्ट्रेलिया तक लेके जाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे देखेंगे कहीं जाके ढूंढने के कोई कब्रिस्तान सूटकेसेस का। हमारा आज का सफर जकार्ता से बाली तक का था, बट व्हाट वाज मेंट टू बी अ क्विक ट्रैवल डे सून टर्न इनटू अ बिट ऑफ अ नाइटमेयर। फाइनली हम फ्लाइट को बोर्ड कर रहे हैं। जितना हम एक्साइटेड हैं बाली जाने के लिए, उतना ही मुझे लग रहा है हमें इंतजार करना पड़ रहा है। फ्लाइट हमारी जो इनिशियली थी स्केड्यूल्ड वो 6:40 के लिए थी शाम की, और फिर यहाँ पहुँचे तो एक भगदड़ मची हुई थी, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या है। हम लोग बोर्डिंग गेट के सामने आके खड़े हो गए थे तकरीबन आधा घंटा पहले, लेकिन फिर लास्ट में हमें जो है वो ये नहीं पता चल रहा था कि बोर्डिंग गेट कौन सा है। 18 लिखा हुआ था बोर्डिंग पास पे, लेकिन वो लास्ट में उन्होंने चेंज किया, 19 कर दिया। कोई अटेंडेंट वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट गुजरे, फिर वो आए, उन्होंने बताया कि 2 घंटे फ्लाइट जो है वो डिलेड है क्योंकि जहाज़ जो है वो हवा में कहीं फंसा हुआ है, इधर उधर घूम रहा है। तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 2 घंटे हमने ऐसे तैसे करके गुजार लिए और फाइनली हम लोग जो है वो बोर्ड कर रहे हैं अपनी फ्लाइट। वेलकम टू बाली। सो अभी लैंड किया है हमने एंड अभी से इनसेन अमेजिंग फील्स है। मतलब एयरपोर्ट को ऐसे डेकोरेट किया हुआ है जैसे हम एक म्यूजियम में आ गए हैं। इट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड बाली मेरी टॉप बकेट लिस्ट में था सिंस आई वॉज लाइक 16 years old। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ये ख्वाब पूरा होने वाला है जो हम एक्सप्लोर करेंगे बाली को। अभी हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, सो वी आर गोना गो टू आवर होटल, क्रैश फॉर द नाइट, कल मिलते हैं। बाली, बाली इंडोनेशिया का सबसे विजिटेड और सबसे फेमस आइलैंड है एंड व्हेन एनीवन अराइव्स टू बाली दे अराइव एट डेनपसार एयरपोर्ट। डेनपसार कैपिटल है बाली का और डेनपसार से आगे बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे खूबसूरत स्पॉट्स हैं जहां हम जा सकते हैं। अपनी आज की वीडियो में हम सेमिनियाक और चांगू को एक्सप्लोर करेंगे। बाली इज़ फिल्ड विद कलर्स एंड कल्चर्स और यहाँ की हर चीज़ बहुत यूनिक है, सो मेक श्योर यू वॉच आवर वीडियो टिल द एंड। ब्रेकफास्ट के लिए हम पहुंच गए हैं कैफे बाली और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल कैफेज हैं इन सेमिनियाक वेयर वी आर राइट नाउ एंड दे आर बाली इंस्पायर्ड। पूरा थीम जो डेकोर होता है, खाना होता है, इंटीरियर, हर चीज़ बाली इंस्पायर्ड है। इट्स डेफिनेटली डिफरेंट और जैसे हम एंटर हुए हैं देयर इज इंसेंस, तो खुशबुएँ भी डिफरेंट है इस जगह की। ब्रेकफास्ट एंड लेट्स ट्राई सम बालीज़ फूड। और हर किस्म का नाश्ता, ब्रंच, ऑल डे ब्रेकफास्ट, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं। वी हैव कम टू कैफे बाली। दिस प्लेस इज एज द रेस्ट ऑफ द बाली इज हिंदू इंस्पायर्ड। बाहर इन्होंने अपना ही टेम्पल बनाया हुआ है एंड आई सॉ अ ह्यूज डिस्प्ले ऑफ गणेशा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत कॉमन है। सो आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग सेमिनियाक और बिल्कुल रॉ तरीके से हम करेंगे। इधर की बुटीक्स को एक्सप्लोर करेंगे, बीच क्लब्स को एक्सप्लोर करेंगे, बीचेस को एक्सप्लोर करेंगे, उसके अलावा यहाँ की शॉपिंग को देखेंगे और एक ओवरऑल फील लेने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स हमारा पहला दिन है इन बाली, सो वी हैड टू स्टार्ट विद
yummy breakfast. Of course, अभी हम उठे हैं, हमने eggs मंगवाए हैं. This is eggs Florentine. Basically toast है, इसके ऊपर spinach है, hollandaise sauce है और poached eggs हैं. The most I think popular breakfasts are like eggs on toast, avocado toast या acai bowl. ये तीनों चीज़ें बाली आके आपको try करनी must है. मैं इस Florentine egg को try करती हूँ. It's alright. मुझे लग रहा था ये थोड़ा और flavorful होगा, लेकिन it just tastes like normal egg. Seasoning थोड़ी सी कम है. So it is just like poached eggs on toast. Spinach का अच्छा flavor आ रहा है. साथ ही मैंने एक drink मंगाई है, because यहाँ पे बहुत गर्मी है आजकल. It's mint, lime and ginger. Very refreshing. So अब हम breakfast करेंगे, and then we're going to be starting our Seminyak tour. तो हम आ गए हैं Seminyak फ्ली मार्केट, और Seminyak में बहुत सारी शॉपिंग की चॉइसेस हैं. एंड ड्यूरिंग द डे इतनी गर्मी होती है कि आपका दिल करता है कि आप शॉपिंग करो, स्पेशली समवेयर लाइक दिस जो कम्प्लीटली कवर्ड एरिया हो. सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक द एरिया जहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हो. देन ऑफकोर्स देर आर लाइक द अपर एंड बुटीक स्टोर्स एज वेल. तो अभी हम यहाँ आए हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी है. बैग्स हैं, ग्लासेस हैं, कपड़े मिल रहे हैं, ज्वेलरी मिल रही है. सो प्रीटी मच एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक of. So we're gonna go and try to find a Bali bag, जो typical straw bag होता है, हमें वो ढूंढना है और अच्छी मुनासिब कीमत पे. So these are the famous Bali bags that I'm talking about. Typically ये straw के बने होते हैं, white, brown, ये most used colors हैं. और हर बंदे के पास ये होते हैं, especially on the beach, it's the perfect beach bag. सो मुझे एक्चुअली ये वाइट वाला अच्छा लग रहा है, एंड आई एम गोना बार्गेन फॉर दिस वन. पता नहीं कितने का होगा, बिकॉज अभी हमारा फर्स्ट डे है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है. लेट्स सी कितने का. हाउ मच इज दिस बैग? स्टार्टिंग प्राइस, व्हाट्स द बेस्ट प्राइस? गिव मी द लोकल प्राइस. जस्ट वन. Yeah. How about this? Maybe two? How about this? 300. Mama, 340 for two. 340 for two. But how much for this one? Because I know it's not that expensive. Everywhere they have this in Bali. Mama. 150? Mama, how about we get the yogurt one? Yeah, that's pretty, but it's too big for you. Can you do 50 for this? No? 50 is a good price. 150. Because it's small, it's not that big either. Yeah, but that's for the helmet. I know. But we, How about 150 for two? Because I need a brown one and I need a white one. Mama, can you hold this? 50? No? This is yellow, Mama. Okay, thank you. How much is this one? This one 400,000. 400,000. For 100. Okay. Can you do it for 100? Of course not. 300 best price. 300 best price. Okay. Okay. How much is this dress? Yes. This one. This one 500. 500. What's the last price? Yeah. I thought it would be like 80 or 90. It's much cheaper in the other markets. 400 ka, yeah? 400. No, that's too much. Can you do 100? No? So we've spent about 30-40 minutes market mein, thoda sa explore kiya, local se humne baat ki hai. Maine jo online research ki thi, I thought ki ye थोड़ी सी सस्ती होगी मार्केट, मतलब बार्गेनिंग का भी स्कोप होगा. लेकिन इनफैक्ट यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, लाइक एक ड्रेस की वो $40 से शुरू कर रहे हैं. इट्स अ लॉट मोर देन आई एक्सपेक्टेड. और काइंड ऑफ मुझे टूरिस्ट ट्रैप लग रहा है ये. थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि उधर मे बी हो थोड़े चीपर कपड़े. और इट्स डेफिनेटली ऑन द अपर एंड. What size? For my size. Oh, what's you wrap it. It could be a dress too, right? Yeah. Is this like Bali? Balinese batik is very old.
old buses on top. So the material is old or it's an olden tradition? From old tradition and the material is very old. Oh, okay. Your like ancestors used to wear this. So how much are these dresses? No, I want actual patchwork. The you want pen or skirt? I think skirt. One each maybe? No. I don't have space in my luggage. For the skirt is 400. 400. Yeah. Can do it, yes. What color do you want? No, that's too much. That's yeah, way too much. What about the pants? $350 for the pants. What's the last local price? Okay, $250 for the pants. That's too much. That's too much. Can you do 100? Like this, you get 100. No, like this, like this. No, where you get 100, I buy. I give you 200 like this. No. Yeah. So ये patchwork की pants $50 पे शुरू हुए थे हम और $20 तक हम आए हैं फिर भी because ये flea market है उसके हिसाब से काफ़ी expensive है और ये specific patchwork जो है ये traditional Balinese कपड़े हैं so ये यहाँ के लोग ancestors इनके पहनते थे और ये वही बनाते हैं उन्हीं का ये material है जो material use होता है ये traditional Balinese कपड़ा होता है So it's a very unique thing, लेकिन of course थोड़ा सा महंगा है तो फ्ली मार्केट की ट्रिप एट लास्ट एक्चुअली सक्सेसफुल हो गई है बिकॉज हमें एक स्टॉल मिला था बिल्कुल लाइक लास्ट स्टॉल है पूरे फ्ली मार्केट पे और यहाँ पे बोहो इंस्पायर्ड ड्रेसेस हैं ये होता है बोहो इंस्पायर्ड ड्रेसेस मतलब शॉर्ट में भी है लॉन्ग मैक्सी में भी है लॉन्ग स्लीव में भी है शॉर्ट स्लीव में भी है ये हमारे हिजाबियों के लिए आइडियल होता है कुछ फुली कवर्ड होता है स्टार्टिंग इसकी 450,000 थी जो हमने स्टार्ट की थी प्राइस और हमने कम कर करके 20 में लिए तो एक्चुअली हमने इसलिए कम करवाया क्योंकि हम तीन ले रहे हैं सो मतलब जितना ज़्यादा आई थिंक फ्ली मार्केट पे लोगे उतना ज़्यादा कम करेंगे एंड दीज आर द डिज़ाइन वेरी डिफरेंट बहुत प्यारे लग रहे हैं सो अब हम फ्ली मार्केट से खुश जाएंगे आगे एंड या दैट्स व्हाट वी आर डूइंग तो अब हम आ गए हैं एक बहुत ही फेमस बीच क्लब पे विच इज़ कॉल्ड पोटैटो हेड और यहाँ पे बस हम एंट्रेंस पे हैं एंड वी आर गोइंग इनसाइड आई हियर दिस इज लाइक बाली इंस्पायर्ड एंड वेरी ह्यूज और यहीं से बीच स्टार्ट होता है सो इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग टू सी बिकॉज इस वक्त बिल्कुल गर्मी है दिस इज़ द आइडियल थिंग फॉर एनीवन इन सेमिनार टू डू कि कोई बीच क्लब पे हो जाए एंड दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप रेटेड वन सो लेट्स गो इनसाइड अच्छा तो सेमिनार फ्ली मार्केट से मुश्किल से 5 मिनट की बाइक राइड के बाद हम लोग अब पहुंच चुके हैं अगर मैं ये कहूं कि ये बाली का सबसे फेमस बीच क्लब है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा इस बीच क्लब का नाम है पोटैटो हेड अच्छा तो सेमिनार जो है बेसिकली अपने बीच क्लब्स की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है यहाँ के अपस्केल बीच क्लब्स यहाँ की नाइट लाइफ वाइब्रेंट लाइफ स्टाइल उसके अलावा यहाँ जो इन लाइन कैफेज बने हुए हैं पूरी स्ट्रीट पे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता है तो इसीलिए हम लोग अभी कोशिश ये करेंगे कि सेमिनार की थोड़ी सी फील लेनी अच्छा तो हम लोग एंटर हो गए पोटैटो हेड में और यहाँ पे बहुत ही मैसिव सी एंट्रेंस है और ये एंट्रेंस जो है मुझे जो बाजार नज़र आ रहा है वो बांस की मदद से बैम्बू स्टिक्स की मदद से और स्ट्रॉ मटेरियल यूज़ करके इन्होंने ये पूरा खूबसूरत सा आर्च मेहराब नुमा एंट्रेंस बनाई है बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अलग और यूनिक है और एक और बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे आर्किटेक्चर तो वाकई में देखने से ताल्लुक रखता है उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने सारी जो रिसाइकलेबल आइटम्स होते हैं जैसे प्लास्टिक है इस तरह की चीज़ें जो है कांच है उस सबको यहाँ पे रिसाइकिल किया जाता है और उसकी मदद से यहाँ पे फर्नीचर बनाया जाता है यहाँ पे एंटीक्स बनाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे बनाई जा रही हैं तो ये सारी चीज़ें इसी होटल में इस्तेमाल की जाती हैं अच्छा एक चीज़ है जिसकी वजह से बाली पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है बहुत ज़्यादा मकबूल है वो है यहाँ का खूबसूरत सा आर्किटेक्चर बालिनीज थीम जो यहाँ के डिज़ाइन होते हैं स्टाइल होते हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती हैं ना सिर्फ यहाँ के कैफेज़ और होटल्स में बल्कि उसके साथ साथ यहाँ सेमिनार में बिलखसूस जो यहाँ पे बीच क्लब्स बने हुए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने देखा है बीच क्लब में एंटर होते के साथ ही मेन एंट्रेंस से बालिनीज फील आना शुरू हो गई है
वी मेंशन कि सेमिन याक बहुत अपर एंड है, बहुत हाई एंड है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी मेंट. सो यहाँ हम पोटैटो हेड बीच क्लब पे हैं. यहाँ पे तीन अलग पूल्स हैं, देयर आर लाइक थ्री डिफरेंट ईटरीज, बहुत सारे सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं. यू कुड इवन सिट राइट ऑन द सैंड, या इन्होंने ऐसे बीच चेयर्स सेट आउट की हुई हैं. एंड फॉर द गेस्ट्स ऑफ द होटल, बिकॉज ये एक होटल भी है पोटैटो हेड, उसके अलावा कोई भी एंटर हो सकता है पोटैटो हेड में. इसकी कोई एंट्रेंस फी नहीं है, विच इज़ रियली नाइस. इट्स अ नाइस वे टू रिलैक्स एंड एंजॉय द डे. और अगर किसी को इस एरिया में बैठना है, जैसे जो बीच चेयर्स हैं, दे जस्ट हैव टू बाई समथिंग फ्रॉम द बार या दे जस्ट हैव टू बाई सम फूड. उसके अलावा वो पूल भी यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी यू नो बोनस भी है. एंड इट्स डेफिनेटली अ रिलैक्सिंग वाइब ओवर हियर. तो बेसिकली मकसद ये है इस तरह के बीच क्लब्स का कि लोग यहाँ पे आके रिलैक्स करें, यहाँ पे वाइंड डाउन करें, बिजी लाइफस्टाइल से एस्केप करके यहाँ पे आते हैं रिलैक्स करने के लिए. और यहाँ पे ये इस तरह का एक बीच क्लब नहीं है, पूरा जो सेमिन यॉक है वो अपने बीच क्लब्स की वजह से, अपनी वाइब्रेंट नाइट लाइफ की वजह से, खाने पीने की वजह से जाना जाता है. अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा नुमाया है, और वो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, और आर्किटेक्चर जो है वो प्रॉपर यहाँ का जो ट्रेडिशनल बालनीज आर्किटेक्चर है उसको डिपिक्ट कर रहा है. यहाँ पे वही स्ट्रॉ, बैम्बू शूट्स और बांस की मदद से इन्होंने पूरा आर्किटेक्चर जो है वो क्रिएट किया है. इवन जो यहाँ पे इन्होंने फ्री सीटिंग बनाई हुई है वो भी लकड़ी की मदद से बनाई है. तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बालीएस्क फील देने की कोशिश की है, जो कि देख के बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे पीछे भी स्ट्रॉ की मदद से उन्होंने छतरियाँ बनाई हुई हैं, नीचे जो है वो टेबल्स और चेयर्स हैं बैठने के लिए. तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है बेसिकली सेमिन यॉक को, बाली को. अच्छा, ये ठंडी ठंडी और बहुत ही रिफ्रेशिंग असाई बोल जो है हमारे सामने आ गई है. और सही मायना में असाई बोल खाने का मज़ा जो है वो बाली में ही है. और उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि असाई बोल आपको इस तरह से मिलती है, एक तो कोकोनट शेल के अंदर. यहाँ पे असाई में मुख्तलिफ लवाजमात हैं, मैंगो और पीनट बटर हमने एक्स्ट्रा डलवाया है, बाकी सारी चीज़ें इसमें पहले से इंक्लूडेड हैं. इसमें कैशूज हैं, रेसबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स हैं, और यहाँ पे नट्स बहुत सारे मुझे नज़र आ रहे हैं. बहुत मज़े की कमाल की असाई बोल है. एक असाई बोल हमें ऑस्ट्रेलिया में बहुत पसंद है और इसका नाम ओक बेरी है. हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ओक बेरी से ज़रूर असाई खाते हैं. तो ओक बेरी की असाई खाने के बाद अगर मुझे कोई और असाई पसंद आई है पूरी दुनिया में, अब तक हमने जितनी भी कंट्रीज हमने ट्रैवल की हैं, वो ये बीच बोल की असाई है. अच्छा, तो मज़ेदार असाई बोल के साथ साथ हमने यहाँ पे एवो टोस्टी भी मंगवाया है. जिस तरह से उन्होंने प्लेट को सजाया है, यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा पपरिका पाउडर जो है वो स्प्रिंकल किया हुआ है, उसके ऊपर तिल है, तिल के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने ऑलिव ऑयल जो है वो ड्रिप किया है. उसके साथ साथ जो यहाँ पे इन्होंने ब्रेड का इस्तेमाल किया, मुझे लग रहा है ये राय ब्रेड है. बहुत मज़े का एवो टोस्ट है. हमने ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत खाया, हम लोग बल्कि घर में बहुत शौक से बनाते थे, क्योंकि एवोकाडो टोस्ट हम दोनों का फेवरेट है. सुबह नाश्ते में हम लोग अक्सर अवकाश जो है बना के खाया करते थे. एवोकाडो बहुत लाइटली उन्होंने सीजन किया हुआ है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है उसमें. उसके साथ सॉटेड मशरूम बहुत मज़े के लग रहे हैं. और जो चीज़ बाजी ले गई है वो ये स्पिनच है, फेटा चीज़ और ये डिल है. छोटा दिखने में लेकिन इसकी वजह से वो जो फ्लेवर इन्हेंस हो रहा है कमाल है. अच्छा, बाली में जो एक चीज़ बहुत आम तौर पे देखी जाती है वो यहाँ का कैफ़े कल्चर है. और यहाँ का कैफ़े कल्चर जो है वो बहुत रिच है, इसीलिए यहाँ पर पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ पे खो से जाते हैं. और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वो यहाँ का रिच कल्चर, यहाँ की जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो यहाँ के खाने हैं, यहाँ के डिफरेंट कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाते हैं. और वो हमेशा कहीं ना कहीं उनके दिल में वो चीज़ बसती है, और इसीलिए फिर वो वापस लौट के ज़रूर आते हैं. Thank you.
हमारा बाली में फर्स्ट सनसेट है सो वी हैड टू कम टू द बीच और जिस एरिया में इस वक्त हम हैं दिस होल एरिया बिहाइंड मी इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एरियाज है इन सेमनयाक एंड दिस कैफे इज कॉल्ड ला प्लांचा कैफे और हम बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसको लेआउट किया हुआ है बीन बैग्स हैं देर आर कलरफुल अम्ब्रेलर्स और यहाँ पे बेसिकली लोग सनसेट देखने आते हैं दिन में तो बहुत गर्मी होती है लेकिन जैसे ही 3-4 बजते हैं ये जगह बिल्कुल पैक्ड हो जाती है और लाइट्स जल जाती हैं बहुत रिलैक्सिंग वाइब है इस जगह की सो ये बीच इटसेल्फ बहुत ही लंबी एक पट्टी पे स्प्रेड आउट है एक तरफ सेमनयाक बीच है और दूसरी तरफ 66 बीच है दे कॉल इट इसी बीच की स्ट्रिप पे बहुत सारे कैफेज हैं एंड अ लॉट ऑफ देम हैव द सेम लेआउट बीन बैग्स हैं कलरफुल अम्ब्रेलर्स हैं और ड्रिंक्स सर्व हो रही हैं देयर इज इवन शीशा कैफेज हियर अदर देन द सनसेट यहाँ पे रात में अलग माहौल होता है इट इज़ हसलिंग बसलिंग और रात को लोग यहाँ डिनर करना पसंद करते हैं रिलैक्स करना पसंद करते हैं एंड द म्यूज़िक दिस ऑलवेज लाइव म्यूज़िक कहीं ना कहीं किसी कैफे पे लाइव म्यूज़िक लगा होता है सो यू कैन रियली एंजॉय दैट अमेजिंग फर्स्ट सनसेट इन बाली वापस सिटी सेंटर आ गए हैं सेमनयाक के और रात को ये पूरा सिटी सेंटर हसलिंग बसलिंग होता है लोग निकलते हैं ऑफकोर्स गर्मी नहीं होती एंड देयर इज़ अ प्रॉपर लाइक शॉपिंग एंड पार्टी सीन इन सेमनयाक और यहाँ की शॉपिंग वाकई में अपर एंड है सो इट रेंजेस फ्रॉम लाइक इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पे पूरा मॉल बनाया हुआ है सेमनयाक स्क्वायर जहाँ पे पूरे जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन इंग्लिश ब्रांड्स उसके अलावा इंडिपेंडेंट बुटीक्स भी हैं जैसे मेरे पीछे ये वाला बना हुआ है एंड देर सो कलरफुल देर मेड सो ब्यूटिफुली और यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं देर लाइक बीच वेयर या जो डेकोर हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हैं ये चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं आई थिंक दिस इज दी परफेक्ट वे टू एंड आवर फर्स्ट डे इन बाली अब हम जाएंगे चांगू एंड वी आर गोइंग टू बी हैविंग आवर सेकेंड डे इन बाली देर सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम चांगू तो कल रात हम सेमनयाक में थे एंड दिस मॉर्निंग वी एक्चुअली चेक्ड इनटू आवर स्टे इन चांगू चांगू बाली का दूसरा हिप सर्फर्स का एरिया है सर्फर पैराडाइज है और हमने आज सोचा है कि अपना सेकेंड डे यहाँ पे स्पेंड करें इन चांगू वी जस्ट चेक्ड इनटू अ गेस्ट हाउस इसका नाम है रायन बागुस गेस्ट हाउस बहुत खूबसूरत बाली इंस्पायर्ड गेस्ट हाउस है हमारा कमरा एक्चुअली बहुत यूनिक है इट्स लाइक बेसिकली अ ट्री हाउस और हर चीज़ इस कमरे में है और बहुत मुनासिब हमें प्राइस पे मिला है वी गॉट फॉर $30 और इसी हमारे स्टे में मतलब रूम है ह्यूज बेड एंड देन वी गॉट अ किचन वी गॉट अ फ्रिज इन आवर रूम वी इवन गॉट अ वाटर डिस्पेंसर एसी है वी गॉट अ फुल ऑन बाथरूम और हमारे पीछे पूल एरिया तो इससे अच्छा आई थिंक कुछ हो नहीं सकता कि हर चीज़ एक ही जगह हमें मिल गई है वी आर गोना कम बैक एंड रिलैक्स हियर लेटर लेकिन अभी सबसे पहला स्टॉप हमारा आज का है ताना लॉट टेम्पल हमारे स्टे से तकरीबन 20 मिनट दूर है सो वी गोना हेड देयर फर्स्ट अच्छा बहुत मजे का बालिनीज डिजर्ट था व्हाट डू यू कॉल दिस बालिनीज केक मेड फ्रॉम राइस एंड शुगर एंड कोकोनट
जो ताना लॉर्ड की मेन एंट्रेंस है उससे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है स्टॉल बना हुआ है, और यहाँ पे वो बालिनीज केक जो है बहुत मज़े का है, बहुत सटल फ्लेवर था, ज़्यादा मीठा भी नहीं था, चावलों से बनाया उन्होंने और ऊपर जो है वो डेसिकेटेड कोकोनट डाला हुआ है, अंदर जो है फिलिंग थी शुगर सिरप था, तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बाली की साउथ वेस्ट कोस्ट पे, और जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं ये जगह ताना लॉर्ड टेम्पल के नाम से जानी जाती है। तो ये पूरा टेम्पल है, बहुत बड़े एरिया के ऊपर ये पूरी जगह जो है वो फैली भी है। यहाँ पे सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, यहाँ पे दो तीन टेम्पल्स बने हुए हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर और जो सबसे पॉपुलर टेम्पल है वो मेरे पीछे है इस वक्त, ताना लॉर्ड टेम्पल। अच्छा, यहाँ पे मुसलमानों को या यहाँ पे नॉन बालिनीज लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं, या फिर जो बालिनीज हिंदू लोग हैं उनको परमिशन है जाने की टेम्पल के अंदर। अच्छा, ताना लॉर्ड जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल्स है पूरे बाली में। बाली में जाहिर है बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं, यहाँ पे बालिनीज हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी है, और इसी वजह से मुख्तलिफ जगहों से हिंदू जो हैं वो ट्रैवल करके आते हैं यहाँ पे। ना सिर्फ हिंदू बल्कि हर मज़हब हर रिलीजन के लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं यहाँ पे किस तरह से बालिनीज हिंदूज जो हैं वो अपनी सालों दराज उनकी पुरानी जो सकाफत है उसको किस तरह से लेके आगे चल रहे हैं। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी बालिनीज हिंदू हैं या फिर यहाँ के जो लोकल्स हैं वो इस बात पर बहुत पक्का यकीन और बिलीव रखते हैं कि ये जगह जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रेड है, बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो जो भी ताना लॉर्ड टेम्पल विजिट करता है दे आर श्योर टू हियर द स्टोरी ऑफ द होली स्नेक, और ये पूरा टेम्पल इनफैक्ट सी सर्पेंट्स सी स्नेक्स से अपेरेंटली प्रोटेक्टेड है। इनफैक्ट अभी हमने एक रियल सी स्नेक भी देखा है। सारे इस एरिया के सी स्नेक्स ब्लैक या वाइट हैं, दे लाइक ब्लैक विद वाइट स्ट्राइप्स, और यहाँ के लोग बिलीव करते हैं कि ये सी स्नेक्स एक्चुअली इस टेम्पल को प्रोटेक्ट करते हैं और इन लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द ईविल स्पिरिट्स। सो अकॉर्डिंग टू बालिनीज मिथोलॉजी जो प्रीस्ट थे जिन्होंने ये पूरा आइलैंड बनाया था, ये पूरा टेम्पल डिस्कवर किया था, ही वॉज टोल्ड टू हैव सुपर पावर्स सुपर नेचुरल पावर्स, और उन्होंने ये पूरा टेम्पल मूव किया था फ्रॉम लैंड टू वाटर। उसके अलावा जो स्नेक है होली स्नेक, यहाँ के लोग बिलीव करते हैं कि जो प्रीस्ट का सैश था लाइक द वुडन स्टिक दैट दे कैरी, दे एक्चुअली मेड द स्नेक आउट ऑफ द वुडन स्टिक। आधे घंटे की मोटर बाइक राइड की है और हम लोग ताना लॉर्ड से टेंपल से होते हुए पहुंच गए फिंस। तो फिंस जो है यहाँ का बहुत ही फेमस बीच क्लब है। अच्छा, फिंस में जब हम लोग एंटर हो रहे थे तो शुरू में जो सिक्योरिटी चेक बनी हुई थी उससे आइडिया हो गया था कि बहुत ही कोई अपस्केल जगह हम लोग जा रहे हैं, और ये बीच क्लब है तो यहाँ पे पार्टी करने पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ना सिर्फ लोकल बल्कि दूर दूर से जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो कोशिश यही करते हैं, उनकी पहली कोशिश यही होती है कि फिर जाके उन्हें पार्टी करनी है। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि लोगों का इस वक्त झमघट्टा जो है वो लगा हुआ है, यहाँ पे लोग पूल पार्टी कर रहे हैं, उसके अलावा पीछे जो है लाइव म्यूजिक चल रहा है, परफॉर्मेंसेस हो रही है, लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये बिल्कुल बीच फ्रंट है तो बीच में मेरे बिल्कुल लेफ्ट में जो है वो बीच बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे खाने के ऑप्शन हैं, पीने के ऑप्शन हैं, हर किस्म का जो आप पीना चाहते हैं वो यहाँ पे मिलता है। हम जाहिर है इसलिए आए हैं कि ये लोग अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि यहाँ की जो ये हाइप है वो वाकई में जस्टिफाइड है या नहीं है, और हमारे हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर है, रौनक है और पार्टी है। हमें इतनी पार्टी पसंद नहीं है, हमारी पार्टी थोड़ी सी अलग होती है बल्कि काफ़ी अलग होती है इस पार्टी से, लेकिन जो लोग करते हैं उनको बाकी में सलाम है किस तरह से इतने शोर में यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और नाच गाना कर रहे हैं। हमारे पहले दो दिन बाली में काफ़ी बिजी और इनसेन गुजरे, 7 या 5 अपस्केल कैफेज वहाँ के, वहाँ का
वहाँ बीच क्लब, वहाँ की हर चीज़ शॉपिंग बुटीक, हर चीज़ बहुत अपस्केल थी। और चांगू जब हम आए यहाँ पे हमने बहुत सारे बैकपैकर्स देखे, सर्फिंग का ट्रेंड है यहाँ पे, बीच क्लब है लेकिन काफ़ी डिफरेंट है।